खबर कानपुर देहात से आपको बता दें, जहां यूपी सरकार में मंत्री के पति को फोन पर धमकी मिली है। पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी को खनन माफिया ने फोन पर धमकाया है। तो योगी सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति हैं अनिल शुक्ला वारसी। अवैध खनन रुकवाने पर धमकी देने का आरोप लगाया गया है। तो कानपुर देहात से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी को खनन माफिया ने फोन पर धमकाया है। तो योगी सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति हैं अनिल शुक्ला वारसी। तो अवैध खनन रुकवाने पर धमकी देने का ये मामला सामने आया है। अवैध खनन रुकवाने पर धमकी देने का लगाया आरोप। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी को फोन पर धमकी दी गई है। अवैध खनन रुकवाने पर मिली फोन पर धमकी। तो अवैध खनन रुकवाने पर धमकी देने का लगाया आरोप। खबर कानपुर देहात से, यूपी सरकार में मंत्री के पति को धमकी मिली है। ये हम लोग दोनों लोग जो है यहाँ पे क्या नाम केवड़िया आए हुए हैं चुनाव प्रचार के लिए, चुनाव ड्यूटी पर। तो आज जब हम लोग आ रहे थे, तभी रास्ते में 1 बजे के लगभग जब हम लोग आजमगढ़ के आसपास थे, तो एक टेलीफोन आया। उसने कहा मैं राजघाट कॉरपोरेशन से बोल रहा हूँ और वहाँ उसका मालिक हूँ, मेरा नाम मनोज यादव है। तो आप वारसी जी बोल रहे हैं, सांसद जी हम वहाँ बोल रहे हैं। तो उसने कहा कि देखिए आप राजनीति करते हैं, राजनीति करो, मैं व्यापार करता हूँ, मुझे व्यापार करो। तो मैंने कहा भाई क्या दिक्कत क्या है, तुम अपना व्यापार करो, मुझसे क्या मतलब है। तो उसने कहा कि मैं मिट्टी का जो ठेका ले रखा हूँ, मिट्टी में खनन करता हूँ और आप जो है ना उसमें विरोध कर रहे हैं। तो हमने कहा कि आप जो हमारे विधानसभा के जो गरीब किसान हैं उनकी मिट्टी रात में उठा ले रहे हैं खेत से, खेत को तालाब बना दे रहे हैं और वो सब शिकायत करने आ रहे हैं, और हमने अभी नई नई सड़कें सब बनवाई है, उन सबको तोड़ के तुम बढ़ा में तब्दील कर दे रहे हो, क्या ऐसी शिकायत नहीं करेंगे। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक और जहां मंत्री के पति को धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद आपको बता दें कि पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। तो कानपुर देहात से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी सरकार में मंत्री के पति को फोन पर धमकी मिली है। पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी को खनन माफिया ने फोन पर धमकाया है। तो योगी सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति हैं अनिल शुक्ला वारसी। अवैध खनन रुकवाने पर उन्हें धमकी दी गई है। तो अवैध खनन रुकवाने पर धमकी देने का लगाया आरोप। यूपी सरकार में मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला, जिनके पति और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी को खनन माफिया ने धमकी दी है। तो प्रतिभा शुक्ला के पति को कॉल पर धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद से ही वो खुद को और अपने परिवार को असुरक्षित बता रहे हैं। अपनी ही सरकार में मंत्री के पति और पुलिस प्रशासन से मुकदमा लिखने और कार्रवाई करने की गुहार लगाते हुए पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी नजर आ रहे हैं। तो अवैध खनन रुकवाने पर धमकी देने का आरोप लगाया है। योगी सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति हैं अनिल शुक्ला वारसी, जिन्होंने धमकी देने का आरोप लगाया है। यूपी सरकार में मंत्री के पति को फोन पर धमकी मिली है, जिसके बाद आपको बता दें कि पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है और कार्रवाई की मांग की है। पूर्व सांसद और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ला वारसी के द्वारा एक लेटर जारी किया गया और साथ में एक वीडियो जारी किया गया, जिनमें उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि खनन माफियाओं के द्वारा उनके पूरे परिवार को जान से मार देने की धमकी दी गई है, जिससे खतरा है। उन्होंने पुलिस से न्याय लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की गई है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिख लिया है और विवेचना जारी कर दी गई है। बताते चले कि अनिल शुक्ला वारसी ने बताया कि बीती 25 तारीख को उनके पास फोन आता है और उन्होंने नाम लेते हुए भी बताया है कि मनोज यादव के द्वारा उन्हें फोन किया जाता है और खनन के मामले में हस्तक्षेप करने से मना किया जाता है, जिसके बाद जब उन्होंने मना कर दिया कि मैं हस्तक्षेप करूंगा, मेरे पत्नी के विधायकी क्षेत्र में आप अगर कहीं भी खनन करेंगे तो मैं उस पर कार्रवाई करूंगा और आवाज उठाऊंगा, जिस पर खनन माफिया के द्वारा उन्हें देख लेने की धमकी दी गई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को लेटर जारी करके प्रार्थना पत्र देके न्याय की गुहार लगाई है।
बताते चले कि बीते दिनों रात में अवैध खनन की सूचना पर अनिल शुक्लवारसी अपनी पत्नी प्रतिभा शुक्ला के साथ खनन पे पहुंचे थे, जहां पर फायरिंग की भी सूचना मिली थी और मामला काफी तूल पकड़ा था, जिसके बाद उन्होंने शासन के उच्च अधिकारियों को यहां तक कि मुख्यमंत्री को भी सूचित कराने की बात की थी और खनन पे कार्रवाई करने की बात करी थी। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया है कि प्रशासन के द्वारा खनन के मामले की शिकायत में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसके चलते हुए उन्होंने अपने स्तर से खुद ही एक टास्क फोर्स या एक कमेटी गठित करके खनन पर लगाम लगाने की बात की जा रही थी, जिसके बाद जब कार्रवाई नहीं हुई तो खनन माफिया बौखला करके इस प्रकार की बात को अंजाम दे रहे हैं। जनपद कानपुर देहात से जीएमडी न्यूज के लिए मनोज सिंह। तो यूपी सरकार में मंत्री के पति को फोन पर धमकी मिली है। पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी को खनन माफिया ने फोन पर धमकाया है। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, हम लोग दोनों लोग जो है यहाँ पे क्या नाम केवड़िया आए हुए हैं चुनाव प्रचार के लिए, चुनावी ड्यूटी पर। तो आज जब हम लोग आ रहे थे, अभी रास्ते में 1 बजे लगभग जब हम लोग आजमगढ़ के आसपास थे तो एक टेलीफोन आया, उसने कहा मैं राजघाट कॉरपोरेशन से बोल रहा हूँ और वहाँ उसका मालिक हूँ, मेरा नाम मनोज यादव है। तो आप वाटी जी बोल रहे हैं, सांसद जी हमें वहाँ बोल रहे हैं। तो उसने कहा कि देखिए आप राजनीति करते हैं, राजनीति करो, मैं व्यापार करता हूँ, मेरे व्यापार करो। मैंने कहा भाई क्या दिक्कत क्या है, तुम अपना व्यापार करो, मुझसे क्या मतलब है। तो उसने कहा कि मैं मिट्टी का जो है ठेका ले रखा हूँ, मिट्टी में खनन करता हूँ और आप जो है कह रहे हैं उसमें विरोध कर रहे हैं। तो हमने कहा कि आप जो हमारे विधानसभा के जो गरीब किसान हैं उनकी मिट्टी रात में उठा ले रहे हैं खेत से, खेत को तालाब बना दे रहे हैं और वो सब शिकायत करने आ रहे हैं और हमने अभी नई नई सड़कें तक बनवाई है, उन सबको तोड़ के तुम बढ़ा में तब्दील कर दे रहे हो, क्या ऐसी शिकायत नहीं करेंगे। तो धमकी देने वाले आरोपी शख्स का नाम मनोज यादव बताया जा रहा है, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि पत्र लिखकर अनिल शुक्लवारसी ने आरोपी पर सख्त और जल्द से जल्द कार्रवाई की बात कही है। तो मंत्री के पति को धमकी देने का मामला सामने आया है। खनन माफिया ने मंत्री के पति को धमकाया है। पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी को फोन पर धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद से ही अनिल शुक्लवारसी और अपने परिवार को अपर जान का खतरा बता रहे हैं और इसको लेकर पत्र लिखकर उन्होंने पुलिस से मामले की में कार्रवाई की गुहार लगाई है। मामले का संज्ञान लेने और जल्द से जल्द कार्रवाई की बात कही है। तो योगी सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति हैं अनिल शुक्लवारसी, जिन्होंने आरोप लगाया है कि अवैध खनन रुकवाने पर उन्हें धमकी दी गई है। फोन पर आरोपी ने उन्हें धमकी दी है। तो अवैध खनन रुकवाने पर धमकी देने का आरोप लगाया गया है पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी की ओर से। अनिल शुक्लवारसी जो कि योगी सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति भी हैं, तो खनन माफिया ने फोन पर धमकाया। पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी को खनन माफिया ने फोन पर धमकाया है। तो यूपी सरकार में मंत्री के पति को फोन पर धमकी दी गई है। तो धमकी मिलने के बाद से खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अनिल शुक्लवारसी। अपनी ही सरकार में मंत्री के पति पुलिस और प्रशासन से अब मुकदमा लिखने और कार्रवाई की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। तो अनिल शुक्लवारसी का आरोप है कि जिला प्रशासन उनकी बात नहीं सुन रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अपने पत्र में कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र किया है कि अकबरपुर रनिया विधानसभा में मिट्टी चोरी और अवैध खनन को रुकवाने को लेकर उन्हें धमकी दी गई है और धमकी मिलने के बाद से ही वो खुद को अपने परिवार को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, सबसे पहले बताएं क्या कुछ पूरा मामला है। जी देखिए, ये मामला तब सुर्खियों में आया कि जब एक लेटर जारी होता है जो कि सांसद का लेटर पैड है, उस पर जारी होता है, जिसमें पूर्व सांसद और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्लवारसी के द्वारा एक पत्र जारी किया जाता है, जिसमें उन्होंने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें और उनके पूरे परिवार को जानमाल का खतरा है और ये जानमाल का खतरा उन्होंने जो है खनन करने वाले माफिया
मनोज यादव के खिलाफ लगाते हुए बार लगाई। उन्होंने बताया है कि बीती 25 तारीख को वो अपने घर पे थे, तभी उनके फोन पर एक फोन आता है जिसको वो रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद दूसरी तरफ से बताया जाता है कि मैं मनोज यादव बोल रहा हूँ और मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप खनन के मामले में हस्तक्षेप ना करें। जबकि जो अनिल शुक्रवार्ती हैं हम अक्सर देख रहे हैं, और यहाँ तक कि बीच में भी हमने देखा था कि एक खनन का मामला आया था जब देर रात में प्रतिभा शुक्ला और अनिल शुक्रवार्ती ने ग्रामीणों की शिकायत पर देर रात में खनन पकड़ा था, तो खनन पे अवैध गोलीबारी और कई चीज सारी घटनाएं सामने आई थी जिसपे काफी बवाल हुआ था, पुलिस प्रशासन भी था। उसी बात को लेकर के उन्होंने बताया है कि इन लोगों के द्वारा मेरे पूरे परिवार को जान से मारने की कोशिश की जाएगी।